एसआर ब्लॉग्स। वैसे तो ये मेरे हस्बैंड का चैनल है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ होम डेकोरेशन की आइटम्स मंगवाई है जो दिवाली पे बहुत सुंदर लगने वाली है, तो वो आइटम्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो माय फर्स्ट आइटम इज़ दिस टी लाइट हैंगिंग होल्डर, जो कि गोल्डन एंड रेड कलर में है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इट ऐड कलर्स एंड लाइट्स टू योर होम। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लाइट में तो अच्छा लगता है, बट अगर हम लाइट्स को स्विच ऑफ करते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हो, अमेजन और फ्लिपकार्ट में, एंड इट्स ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। इट कम्स अंडर 300। और मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये कैंडल्स है, ये आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज की थी। ये आई थिंक ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, बट मैंने जो है लोकल मार्केट से बहुत ही सस्ते कम रेट में, कम प्राइस में ली थी। तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये गोल्डन कलर की टी लाइट होल्डर्स है जो मैंने अमेजन से लिए थे, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इसकी मैं आपको स्पेशलिटी बताती हूँ कि जब आप लाइट्स ऑफ में इसको ब्राइटन अप करते हो, लाइटन अप करते हो, तो क्या होता है कि इसकी जो शेडो है वो फर्नीचर पे या वॉल पे पड़ती है तो वो बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि अगर आपने लाइट को ऑफ किया और जैसे कि इसके जो शेडो है ये साइड की वॉल पे पड़ रही है तो ये बहुत सुंदर लगती है। तो इस टी लाइट होल्डर को भी आप दिवाली पे परचेज कर सकते हो। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है दिस ब्यूटीफुल टी लाइट होल्डर इन अ क्रिस्टल एंड गोल्डन काइंड ऑफ। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये भी आप घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हो, या फिर दिवाली पे आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ लाइट। ओके गाइस, जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये एक कैंडल विच कम्स विद अ होल्डर एंड अ स्टैंड। और अगर मैं इसको लाइटन अप करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये भी कितना सुंदर लग रहा है। ये आप अपनी होम डेकोरेशन में, दिवाली डेकोरेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और मैं आपको शो कर रही हूँ कि अगर आप अंधेरा करके इसको जगाते हो तब भी ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और हाँ, इसको आप अगर कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हो उसमें भी ऐड अप कर सकते हो। ओके, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये एस शेप का अल्फाबेट है। वैसे तो ये मैंने अपने सन के बर्थडे पे मंगाया था, उसका नाम सहज है, तो उसके एस एस वो सहज उसके लिए मैंने मंगवाया था। पर मुझे लग रहा है कि आप इसको भी परचेज कर सकते हो, और ये भी बहुत सुंदर लगने वाला है। आप किसी भी कॉर्नर में इसको ऐड अप करके उस कॉर्नर को ब्यूटीफुल बना सकते हो। सो गाइस, मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये लालटेन काइंड ऑफ लैम्प है जो मैंने अपने बेड के साइड टेबल पे रखा है विद माई फोटो फ्रेम, माई मैरिज फोटो फ्रेम। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जब आप लाइट ऑफ करते हो तो ये आपके रूम को एक डिफरेंट सा ही लुक देता है, जैसे कि इसमें से बहुत सारे कलर्स की रेज निकल रही हैं। तो ये वैसे तो मैंने कसौली, जब हमने कसौली विजिट किया था वहाँ से परचेज़ किया था, बट दिस लैम्प, लालटेन काइंड ऑफ लैम्प इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजन, सो यू कैन ऑल्सो परचेज इट फ्रॉम अमेजन। सो मेरा जो आज का लास्ट प्रोडक्ट है वो ये टी लाइट होल्डर्स है विच इज़ इन अ पर्पल कलर। एक्चुअली ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पहली परचेज थी टी लाइट होल्डर्स की, और सेकेंडली इट्स फ्रॉम अ होम सेंटर, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये गोल्डन एंड पर्पल कलर में आते हैं, जिसमें कि मैंने कैंडल्स, आर्टिफिशियल जो कैंडल्स होती है वो रखी है। और अगर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अगर आप इसको लाइट ऑफ करके भी रखते हो तब भी ये बहुत सुंदर लगता है, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, आई होप जो भी आइटम्स आज मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैं अपनी दिवाली डेकोरेशन में यूज़ करने वाली हूँ, यू ऑल्सो लाइक दोज आइटम्स. एंड वन थिंग मोर, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई हस्बैंड ब्लॉग, विच इज़ BSR ब्लॉग्स. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.